भारत की सीमा के अंदर पाकिस्तान की नापाक हरकत करने से कभी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और ऐसे ही संदिग्ध इनपुट्स को देखते हुए एक बार फिर से सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई। पाकिस्तान से सटते बाड़मेर बॉर्डर पर पूरा सुरक्षा तंत्र इस वक्त अलर्ट पर है। देखिए रिपोर्ट। बाड़मेर में पाक की नापाक साजिश बेनकाब। अब पाकिस्तानी आतंकी मरेगा। आईएसआई के चार आतंकियों ने की घुसपैठ। एटीएस ने अफगानी आतंकी का तैयार किया स्केच। पाकिस्तान आतंकी का ऑयल वाला टेरर। अब भारतीय सेना आतंकियों को सीधे भेजेगी जहन्नुम। कश्मीर से धारा 370 क्या हटी, पाकिस्तान बौखला गया। कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अब आतंकियों के जरिए भारत में दहशत फैलाने की कोशिश में जुटा है। दुनिया भर में किरकिरी होने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है, लेकिन भारतीय जवान भी पाकिस्तान के भेजे आतंकियों को जहन्नुम भेजने की तैयारी कर चुके हैं। पाकिस्तानी आतंकी बाड़मेर के तेल कुओं को निशाना बनाने की फिराक में हैं। भारत का 25% से ज्यादा क्रूड ऑयल बाड़मेर जिले से निकलता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चार खूंखार आतंकियों के भारत सीमा में दाखिल होने की खबर है। इनपुट के बाद गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया गया। एटीएस ने अफगानी आतंकी का स्केच तैयार कर पुलिस अधिकारियों, जांच एजेंसियों और पुलिस थानों में भिजवा दिया। इस अलर्ट के बाद राजस्थान के बाड़मेर जिले में बॉर्डर के थाने, सेना के ठिकाने, ऑयल फील्ड के ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाहनों की चेकिंग के साथ ही सिविल वर्दी में पुलिस हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाए रखे है। एजेंसी से कुछ इस तरह के इनपुट आए थे कि कुछ विध्वंसक कार्रवाई करने के संदिग्ध लोगों की क्रॉसिंग हुई है, उसमें गुजरात और राजस्थान दोनों के बॉर्डर का हवाला दिया हुआ था और उस संबंध में कुछ स्केच भी जारी किए गए थे। उसी को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी हमारे जिले में पूरे पुलिस स्टेशंस को इस बारे में अलर्ट किया। अफगानी आतंकी के भारतीय सीमा में दाखिल होने की सूचना के बाद पुलिस ने बाड़मेर जिले के लोगों से संदिग्ध और बाहरी लोगों पर विशेष तौर से नजर रखने की हिदायत दी है। जितने संवेदनशील स्थान और महत्वपूर्ण स्थान है उन स्थानों पर भी पुलिस स्टेशन से प्लेन क्लोथ में भी और बावर्दी की नाकाबंदियों टाइम टाइम से भी वह बॉर्डर के थानों में भी अलर्ट जारी किया है और सारे निर्देश जारी किए हुए हैं। इस प्रकार के संदिग्ध कोई व्यक्ति दिखने पे या उनके मूवमेंट पे उनकी पहचान करने के प्रयास किए जाएं और तुरंत उस पर प्रभावी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद बाड़मेर जिले के बॉर्डर से लगती सीमा पर सेना के साथ पुलिस भी सक्रिय नजर आती है। आईबी के अलर्ट के बाद सभी एजेंसियां आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में हैं। यानी पाकिस्तान सरकार की शह पर अगर आतंकी ने किसी भी तरह की हरकत की तो वो सीधे जहन्नुम भेज दिया जाएगा। भूपेश आचार्य, जी मीडिया।